18 जून 2023 और आज के दिन में अगर आप लोग इंडिया में देखते हो तो पूरा सोशल मीडिया पर बस फादर डे को सेलिब्रेट किया जा रहा है। लेकिन दोस्त, बहुत सारे लोग ये नहीं जानते हैं कि आखिर ये फादर डे का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, क्या ये चीज़ अपने इंडिया के हिसाब से करना सही है, क्या ये इंडियन कल्चर है या नहीं। सब कुछ मैं दोस्तों आपको इस एक मिनट के वीडियो में समझाने वाला हूँ। तो दोस्त आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को स्किप मत करना, अंत तक देखना। तो दोस्त, फादर्स डे का जो कॉन्सेप्ट है वो आता है अमेरिका से, और अमेरिका में 19 जून 1910 को सबसे पहले फादर्स डे को सेलिब्रेट किया गया था। अब दोस्त बात आती है कि जून के महीने में ही क्यों इसको सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि दोस्त जून के महीने में ही फादर्स का जन्म हुआ था, इसीलिए फादर्स डे को जून में ही सेलिब्रेट किया जाता है। अब दोस्त एक कॉन्सेप्ट आता है फादर्स, ये फादर्स दोस्त क्रिश्चियन धर्म से रिलेट करता है। इंडियन कल्चर के हिसाब से अपने पिता को डेली सम्मान देना चाहिए, हर दिन सम्मान देना चाहिए, सिर्फ फादर्स डे को नहीं। तो अगर आप लोग एक दिन फादर्स डे के दिन अपने पिता को सम्मान करते हो और दूसरे दिन सम्मान नहीं करते हो तो ये अपने इंडियन कल्चर का बिल्कुल अपोजिट है भाई।